Cheers. अब मन ही मन मुस्कुराना बंद भी कीजिए कमल नारायण जी, और बता भी दीजिए आखिर खुशखबरी क्या है। आप उस लड़की चकोर को तो जानते हैं ना? वो मैराथन रनर आपकी बहू बहू थी, अब दोनों का तलाक हो चुका है। मेरे बेटे सूरज और उस लड़की में अब कोई संबंध नहीं। अरे बहुत ही बकार और धोखेबाज लड़की है, बस षड्यंत्र रचती रहती और कुछ काम ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक हमने जो जो योजना बनाई उस लड़की ने पानी फेर दिया। रोड़ा बनती रही है हर काम में, सच में। लेकिन इस बार हमने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। यूं समझ लीजिए, हमने सूरज की जिंदगी से एक कांटा निकाल कर फेंक दिया। अब ये खुशी की बात नहीं है तो और क्या है, बताइए। खबर तो सचमुच बहुत अच्छी है कमल नारायण जी, लेकिन इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा काम किया कैसे? क्या है घनश्याम जी, हमें मालूम था ये जो लड़की है चकोर, ये हमारे बेटे की कमजोरी है। इसलिए सबसे पहला मार जो है ना, हमने उसी पर किया। अब सूरज को हम अपने इशारे से चलाएंगे, आप देखते रहिए, और ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी ना। साहबे आपकी बातें कान लगा के सुन रहा था। चकोरिया ये सब का चल रहा है? हाँ का है सब कुछ? सारी ब्याह को गुड्डा गुड्डी का खेल ना ही होता है कि एक दिन सगाई कर दी, अगले दिन सगाई तोड़ दी। हाँ मजाक बना के रखा है का? अरे एक बार सूरज बाबू के बारे में सोच लेती। बोल हमका चकोरिया, हम जो बोल रहे हैं तुम्हारे कान में पड़ रहा है कि नहीं? हाँ चकोरिया बिटिया, तेजस्विनी जी जब तुमको कंगन पहनाए रही थी तब तो कछु नहीं बोली। उसके बाद जब सबन के सामने सूरज बाबू तुमको अंगूठी पहना रहे तब भी तो कछु नहीं बोली। बिटिया एकदम से कहा हुई गवाह है? चकोरिया हमारी बात पूरे कान के अंदर घुस रहे कि नहीं? भाई अब हम बड़े हो गए, सही क्या है गलत क्या है ये समझना जानते हैं। हमने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। अच्छा चकोरिया, तो ये बात है, तू अब इतनी बड़ी हुई गई कि तू खुद का फैसला खुद ही ले सकत है, और माँ और बापू जो गात है उसका कोई मतलब नहीं है ना? ठीक है, अगर ये बात है ना चकोरिया, हाँ तो ये ले, पकड़ अपना सामान। अरे और हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चल चल निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से, निकल जा अपने घर से। कस्तूरी काकी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए सूरज? हमने कहा ना हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता चकोर, जब तुमने वो अंगूठी उतार के हमारे हाथ में दी थी ना, हमारा दिल किया था कि तुम्हारा गला घोट दे। सुनो विवान, हमें जो कुछ सुनना था हम सुन चुके हैं, अब और कुछ नहीं सुनना चाहते, और ना ही आपकी मीठी बातों में आने वाले। हमें यकीन नहीं आता कि आप अभी भी नहीं बदले। ठीक है हमारी बात मत सुनिए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए अकाउंट बैलेंस तो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। विवान आपको लग रहा होगा कि ये राजवंशी परिवार की जो तिजोरी है ये भरी पड़ी है ना, ये कभी भी खाली हो सकती है। फिर क्या करेंगे आप और आपकी पत्नी जो इमली है वो सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे? अच्छा लगेगा आपको राजवंशी परिवार का कोई भी सदस्य सड़क पर भीख मांगता हुआ पाया जाए? अच्छा लगेगा आपको? दुश्मनी नहीं है आपसे हमारी, दुश्मनी नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है हमारे अंदर, सच बोलना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हम नहीं जानते, मगर इसमें सूरज और चकोर को अलग करने से आपका क्या फायदा होगा? फायदा है बेटा, फायदा है। सूरज के मंत्री बनते ही हमारी जो सत्ता छिन गई है उस छिपकली चकोर की वजह से, वो हम वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं, यही तो समझा रहे हैं हम आपको।
आप ना बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या है ना कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और ये भी जानते हैं कि आपने दिल्ली कितना पैसा भेजा है, 75 लाख रुपए भेजा है ना? हाँ भेजे हैं, आप जानते हैं ना, आपको पता है? पता है, ठीक है, हमने 75 लाख तो भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी के अकाउंट में, लेकिन उसके बाद हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है ये आप जानते हैं या कोई भी जानता है ना? सिर्फ 2 महीने तक हवेली का खर्चा उठा सकते हैं, उसके बाद कंगाल हो जाएंगे, क्या करेंगे? सूरज क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना सूरज, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, गाड़ी रोको नहीं तुम जल्दी गाड़ी से कूद जाएंगे। सूरज कहा ना कि हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? सूरज क्यों कर रहे हो ऐसा? जाने दो हमें, हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब वो कभी नहीं जुड़ सकता। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? किस बात की सजा दे रही हो हमें? हम तुम्हें वजह बता चुके हैं सूरज, अब हमसे कुछ और मत पूछो। गौरव कमल नारायण के बेटे, ये हमारी गलती नहीं। सुनिए, आप कितने ही दिनों से घर में बैठे हो, ना कोई काम कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है। आप ही सोचिए, आपके आपके बच्चे का जो आने वाला है उसका भविष्य क्या है, आपकी पत्नी का भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है, है? तभी तो हम आपसे कह रहे हैं ना, सूरज को एक बार मंत्री बनने दीजिए, उसके बाद टेंडर अप्लाई कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेना है कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, बिजनेस करना है बिजनेस कर लीजिए। विवान, ये जो मंत्री की गद्दी है ना, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक बार सूरज को उस मुर्गी तक पहुंचा देते हैं हम। क्योंकि हम बदलना चाहते हैं सूरज, क्यों नहीं समझते तुम? हमारा तुमसे दूर जाना बहुत जरूरी है सूरज, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अकेला छोड़ दो और जाने दो हमें। डरपोक हो तुम चकोर, कमजोर हो तुम, एक रिश्ता नहीं निभा पाई, तुम्हें हमें नहीं बताना ना तो मत बताओ, हमें भी नहीं जानना है, खेल रही हो तुम हमारे साथ, बार 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 कभी रिश्ता तोड़ती हो कभी हमारा दिल, बहुत मनमानी कर लिया, अब हम करेंगे मनमानी, तुमने जो कुछ भी किया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुमने हदें पार की है ना, हम भी हालात को तोड़ देंगे, पछताओगी तुम, रोओगी। How could you do this to me? How could you, Chakor? How could you? क्या बोल रही हैं आप तेजस्वी जी? हमारी वजह से हमारे बेटे का घर उजड़ रहा है? हैं? कैसे बाप है आप? ऐसे बाप को तो भोलेनाथ क्षमा नहीं करेंगे। अरे ना, आप अगर समझती हैं कि हमारी बेटी की खुशियां हमारी वजह से छिन गई हैं, तो उन खुशियों को वापस लाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बोलिए क्या करना है, क्या करना है बताइए। आप चाहती हैं हम चकोर के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े रहें, पैरों पर गिरेंगे? इस कमल नारायण से ज्यादा झूठा और पाखंडी इंसान हमने हमारी जिंदगी क्या धरती पर भी नहीं देखा। तो दीदी ने हमें उसकी कसम दी थी, वरना आज हमने इस पाखंडी की पोल खोली दी होती। अपने बेटे को हम दुखी नहीं देख सकते। लैला मजनू का नाटक जो है देखने में सच में मजा आ रहा है, लेकिन मजनू को पता ही नहीं है हम इसके भविष्य के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। है? ऐ मजनू, कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुझे किसी लैला की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज कदमों पर आकर गिरेगी। ऐ देख ले मजनू।